हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिल्कीना ब्यूटी टिप्स और मैं हूं मनप्रीत। सो आज की वीडियो में मैं लाई हूं आपके लिए ये लुक, मेकअप लुक, और ये बिगिनर्स फ्रेंडली लुक है। वेरी अफोर्डेबल प्रोडक्ट यूज़ किए हैं मैंने, और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है एक्ने की, एक्ने पिम्पल्स की वजह से, पिगमेंटेशन भी है, तो उसे हाइड करके मैंने ये लुक क्रिएट किया है। बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट से मैंने ये लुक क्रिएट किया है। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा। अच्छा लगा हो तो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। सबसे पहले बेयर आइज़ पे मैंने कंसीलर यूज़ किया है, विच इज़ क्रायलॉन का टीवी पेंट स्टिक है ये आइवरी शेड, एंड आई एम यूजिंग माई फिंगर्स टू अप्लाई इट, क्योंकि ये बिगनर्स फ्रेंडली लुक है इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि कम से कम ब्रशेज़ का यूज़ किया जाए। इसकी जगह आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं आपके कॉम्प्लेक्शन से लाइट कलर का, तो मैंने इसमें क्रायलॉन का यूज़ किया है आइवरी शेड, जिससे आईज़ को कंसील किया है। पहले फिंगर्स की हेल्प से थोड़ा थोड़ा एक पतली सी लेयर लगाई है कंसीलिंग के लिए, क्योंकि सबकी, ऑलमोस्ट सबकी आईज़ पे ही जो है थोड़ा सा डार्कनेस होती है, पिगमेंटेशन होती है आईज़ के ऊपर, और इससे जो है ये कंसीलर लगाने से जो हमारी आई शेडोज़ हैं वो भी अच्छे से स्टिक करती हैं, लॉन्ग स्टे रहती हैं। अच्छे से कंसीलर लगाने के बाद मैंने इसे पाउडर से सेट किया है स्मॉल पाउडर ब्रश की हेल्प से, और मैंने लूज़ पाउडर यूज़ किया है कलर एसेंस का HD लूज़ पाउडर। आई शेडो के लिए मैंने आई शेडो पैरेट लिया है फेबल टीज में, जो मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोर, ऑनलाइन मेकअप स्टोर से मंगाया इंस्टाग्राम पेज से। सो ट्रांजिशन कलर के लिए जो मैंने आपको कलर शो किया वो हमने लगाया है, ये देखिए, और ये जो पैक का ब्रश है ये, उसकी हेल्प से अच्छे से ब्लेंड करके ट्रांजिशन शेड लगाया है। उसके बाद मैंने ये हैंग फेंग का लिक्विड आई शेडो लिया है, ये देखिए डायमंड डस्ट शेड है ये, इसको हमने क्रीज पे लगाना है कट क्रीज लुक देते हुए, क्योंकि क्रिएट किया इस तरह से ये लगाना है, क्रीज हमने क्रिएट किया है इसे। उसके बाद सो लिक्विड आई शेडो से ज़्यादा आई कवर की है, बाकी पार्ट है वो हमने ब्लैक शेडो लिया है सेम पैलेट में से, और एक फ्लैट आई शेडो ब्रश लिया है उसके थ्रू ये देखिए अच्छे से मर्ज किया है, अच्छे से ब्लेंडेड लुक दिया है ब्लैक शेडो से कॉर्नर्स पे आईज के। नेक्स्ट स्टेप है जो हमने पहले ट्रांजिशन कलर के लिए ब्रश यूज़ किया था, सेम आई शेडो ब्रश से हमने कॉर्नर्स ब्लेंड किए हैं ताकि कुछ भी ऐसे पैची सा ना लगे। और ये मैंने काजल लिया है स्टेक वोकी का बैड एस काजल, इसको मैंने एक पतली सी लेयर लगाई है और थोड़ा स्मजी लुक देने के लिए एक एंगुलर ब्रश से मैंने इसको स्मच किया है। पहले मैंने बहुत ही रफली लगाया था और उसके बाद एंगुलर ब्रश से अच्छे से स्मच कर दिया एक स्मजी सा लुक देने के लिए, ये देखिए। नेक्स्ट मैंने ब्राउ बोन हाईलाइट करने के लिए उसी पैलेट में से एक और शेड उठाया है, उसे भी फिंगर से यूज़ किया, जहाँ पे हम फिंगर्स यूज़ कर सकते हैं मैंने वहाँ पे फिंगर्स यूज़ की हैं, जहाँ पे ब्रश यूज़ कर ब्रश ही यूज़ होता है वहाँ पे ब्रश यूज़ करके दिखा। सो नेक्स्ट यहाँ पे मैंने यूज़ किया है बेला वोस्ते का मस्कारा। सो क्लींजिंग एंड टोनिंग मैंने आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले ही कर ली थी। प्राइमिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इन कलर का प्राइमर, और अपनी पिगमेंटेशन जैसे कि डार्क सर्कल्स और माउथ के राउंड जो एरिया है उसको कवर करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टीवी पेंट स्टिक क्रायलॉन का 303 में, ये देखिए। बहुत ही लाइट अमाउंट लगाना है आपको, बहुत सारा येलो ऑरेंज ऑरेंज नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा अमाउंट लगाना है, ब्रश की हेल्प से लगाया है मैंने, उसके बाद स्पॉन्ज से डैप डैप करके उसे स्किन में मर्ज किया है।
नेक्स्ट जहाँ पे मैंने कंसीलिंग किया है वहीं पे मैंने क्रायलॉन का टीवी पेंट स्टिक यूज़ किया है कंसीलिंग के लिए। ये देखिए, ये भी मैं ब्रश से यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद स्पॉन्ज की हेल्प से इसे भी डैप डैप करके स्किन में मर्ज किया है। मेकअप बेस के लिए मैं ले रही हूँ PSC का HD लिक्विड फाउंडेशन, जो मैंने दो शेड्स मिक्स किए हैं। शेड्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इन दोनों शेड्स को मिक्स करके मैं इसे डैब डैब करके ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। आप ये देखिए, ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। मेरी स्किन पे कितना रेड हो रहा था, मैंने उसे कवर करने के लिए कुछ भी ग्रीन कंसीलर यूज़ नहीं किया है, बल्कि अगर आप इसे ही लगा रहे हैं तो ये सारी रेडनेस को कवर कर देता है। फुल कवरेज फाउंडेशन है, ड्यूई फिनिश है, मेरी स्किन ऑयली है, इस पर भी ये बहुत अच्छे से जाएगा। अगर आप मेकअप को सेट अच्छे से करेंगे तो आपकी ऑयली स्किन पे भी बहुत अच्छे से जाएगा, और ड्यूई फिनिश है तो ये ड्राई स्किन पे भी बहुत अच्छे से जाएगा, आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। फाउंडेशन को आप जब भी लगाएंगे, अगर आपको हैवी कवरेज चाहिए तो आप इसे डैप डैप करके लगाएंगे। देखिए, जैसे कि मैं ब्रश से लगा रही हूँ, डैप डैप करके इसको रगड़ना नहीं है, रगड़ेंगे तो वो लगता नहीं है, बल्कि पैचीनेस आ जाता है स्किन पे। सो नाउ फॉर सेटिंग माय बेस आई एम यूजिंग कलर एसेंस HD लूज पाउडर, और इसको पहले जहाँ पे मैंने कंसीलिंग किया है वहाँ पे मैं स्मॉल पाउडर ब्रश से यूज़ किया है, और बाकी पूरे फेस पे मैंने बिग पाउडर ब्रश यूज़ किया है। सो नाउ आप देख सकते हैं कि कैसे सारी इंपरफेक्शंस जो थी मेरे फेस पे, रेडनेस और थोड़ी थोड़ी डार्कनेस, हो गई हैं। सो नाउ लोअर आइज़ के लिए मैंने सेम काजल यूज़ किया है, स्टेको की बैड आइज़ काजल। इसे लगा के मैंने सेम एंगुलर ब्रश से इसको स्मज किया है, स्मजी सा लुक दिया है, और उसके बाद सेम आई शेडो पैलेट से जो मैंने पहले यूज़ किया था आईज़ पे, जो ट्रांजिशन कलर यूज़ किया था वो सेम ट्रांजिशन कलर इसके नीचे यूज़ किया है, काजल के नीचे, थोड़ा स्मजी सा लुक देने के लिए। ये देखिए इस तरह से। आफ्टर दैट इनर आइज़ को हाईलाइट किया है यूजिंग द सेम आई शेडो जो हमने ब्राउ बोन पे यूज़ किया था। सो दिस इज NYBay क्रीम बेस फाउंडेशन। इसे मैं यूज़ कर रही हूँ पहले अपने लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत डार्क शेड है। पहले मैंने क्रीम कॉन्टोरिंग की है, ये इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं, पॉपअप नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने मी ऑन के पैलेट से, जो कि कॉन्टोरिंग ब्लशिंग एंड हाईलाइटिंग पैलेट है, उससे कॉन्टोर लिया है, पाउडर कॉन्टोर, उससे अपने पूरे फेस को कॉन्टोर किया है। Thank you.
आफ्टर कंटूरिंग अब बारी आती है हाईलाइट की। तो नोज़ को हाईलाइटिंग करने के लिए हम ये पार्ट यूज़ करते हैं, इससे नोज़ पे थोड़ा सा थिन लुक आता है। और उसके बाद मैंने बाकी के अपने फेस को हाईलाइट किया है इस ब्रश की हेल्प से। सो गाइस, दिस इज़ द फाइनल लुक। ये लुक मैंने क्रिएट किया है। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस लुक, डू गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है आपको ये वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।